I will reach out to people all over the world to spread the sunlight. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. सत्रह अगस्त 2023 को एक नया सफर, एक नई मंजिल, एक ऐसा बर्रे आजम जो पाकिस्तान से बहुत दूर और दुनिया का एक कोना है। जी हाँ, इस बार सफर था ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड का। 17 अगस्त 2023 रात तकरीबन 11:30 बजे कराची से बैंकॉक के लिए रवानगी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। थाईलैंड में कुछ घंटों का वहाँ स्टे भी था और हम सुबह तकरीबन 6:30 बजे बैंकॉक के टाइम के मुताबिक पहुँचे। अगली फ्लाइट थी जो बैंकॉक के हवाई अड्डे से ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के लिए थी। तकरीबन 9 घंटे की फ्लाइट। अब हम दुनिया के उस खित्ते की तरफ जा रहे थे कि जहाँ वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे हम मेलबर्न के हवाई अड्डे पर पहुंचे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट नाउ आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। यस, आई एम इन मेलबर्न अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। एंड टुडे इज 19th ऑफ ऑगस्ट, सैटरडे। इंशाल्लाह टुडे आई विल स्पेंड माय डे इन मेलबर्न एंड इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी इन सिडनी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद मेलबर्न में शाम को जिस घर में हम ठहरे थे वहीं पर ही नमाज मगरिब के बाद कुछ आशिकान रसूल ताजरान जमा हुए और उनके दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला रहा। मुख्तसर सुन्नतों भरा बयान करने की सआदत मिली, उनसे मुलाकात हुई और दीनी कामों के हवाले से तरगीब भी अर्ज की। क्या शान है कुरान करीम की, अल्लाह का कलाम है और हम सब के लिए सरचश्मा हिदायत है कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। देयर इज़ नोबडी एल्स, सिर्फ नबी पाक हैं कि जिनकी शफात कबूल की जाएगी, जिनके हाथों शफात का दरवाज़ा खोला जाएगा। फिर बेशक उसके बाद अंबिया और सिद्दीकीन और उलमा शफात करेंगे। कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराका मल-क़ारिअ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرا خیال ہے 2 منٹ بھی نہیں لگے مجھے تلاوت پوری ہو گئی، صدق اللہ العظیم. لیکن मैं समझता हूँ ज़िंदगी गुजारने के लिए ये 11 आयतें अगर मुझे और आपको समझ आ जाए ना तो कमाल है। अल्लाह जब ने सूरह कारिआ का बयान सुना, ए अल्लाह क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बचा दे, हमारे नेकियों के पलड़े को भारी कर देना, अपने कर्म से भारी कर देना। फ़हू फ़ी ईशतिर रौदिया का मुजदा हमें भी अता फरमा, बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों में हम सबको शामिल फरमा। ईशा के बाद एक और शख्सियत के घर बिजनेस कम्युनिटी के लोग जमा थे, जहाँ जाकर मुझे बयान करने की सआदत मिली। इनसे मुलाकात हुई, बहुत मोहब्बतों का इजहार किया। रात जिस शख्सियत के घर गए वो कराची में मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले थे, तो उनसे कुछ पुरानी वाकिफकारी भी निकल आई। That you keep ascending steps of success. Ya unchi shaan hai Allahu Allah, sab dilon ki jaan hai Allahu Allah, uski apni shaan hai
अल्लाहु अल्लाह। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो एक दुरूद पाक में इस कदर हमें बरकतें मिलती हैं तो फिर हमें कितने दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। अगर ये ऐलान कर दे कि कोई एक दुरूद पाक पढ़े तो उसे $10 मिलेंगे तो बताइए फिर हम कितने दुरूद पाक पढ़ेंगे। अच्छा हज़ार दुरूद पाक $10,000 और एक दिन में हज़ारों पढ़ लें तो पता नहीं कितने लाख डॉलर कमा लेंगे। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan, my life can be sacrificed. हाफिज़े कुरान आलिम बाअमल बना, दावत इस्लामी को मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी इस पूरे खित्ते में तरक्कियाँ और उरूज अता। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन। We supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you, O Muballigh. अब अगली सुबह फ्लाइट थी मेलबर्न से सिडनी के लिए। मेलबर्न से सिडनी का जहाज का तकरीबन एक घंटे का सफर है। At Sydney International Airport. Alhamdulillah Zabadal, today we have a good ijtima in Likimba, Masjid-e Sayyidina Ali bin Abi Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہ, right after Maghrib Salah. सिडनी में चूंकि आज इतवार का दिन था तो 20 तारीख को एक बहुत बड़ा इज्तिमा, लेकिनबर्ग एक इलाका है और उसकी एक जामा मस्जिद अली बिन अबी तालिब थी, वहाँ एक शानदार जबरदस्त इज्तिमा हुआ। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल थे, कहा जा सकता है कि पांव रखने की भी जगह नहीं थी। मस्जिद हाउसफुल थी, माशाल्लाह बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन, एशियंस और इसके साथ साथ दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले अरब आशिकाने रसूल भी जमा थे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड Whoever recites Salah upon me 3 times during the day and night due to love and yearning for me, Allah will most definitely forgive their sins of that day and night. Subhanallah. सिर्फ 3 बार सुबह और 3 बार शाम दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है कि उस दिन के गुनाह माफ हो जाए। और अगर बंदा सारा दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहे, ब्यूटिफुल, यू नो कहते हैं कि दुरूद पाक में क्या क्या है। एक्चुअली दुरूद पाक इज द की ऑफ सक्सेस। इफ वी रिसाइट मोर दुरूद पाक विद अबंडेंस, सुभानअल्लाह, द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग अपॉन यू। हम अगर चाहते हैं कि यार मैं कैसा बंदा हूँ, चेक तो करूँ, अच्छा आदमी हूँ, बुरा आदमी, नमाज तो पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली कैसा हूँ, सुभानअल्लाह। बड़ी प्यारी बात बुजुर्गों से सुनी कि ये बताओ अकेले में, When you are lonely, what do you want to do? क्या जी चाहता है करने? Nobody watching you. What do you want to do now? अगर अकेले में तुम्हें जिक्र इलाही का जी चाहता है, तहज्जुद पढ़ने का जी चाहता है, उठकर कुरान पढ़ने का जी चाहता है, अल्लाह को याद करने का जी चाहता है, नाते सुनते सुनते मदीने की याद में रोने को जी चाहता है, फिर तो अंदर से अच्छे हो। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कमरे में जाकर कुछ बुरा करने को जी चाहता है, तन्हाई में जब कोई नहीं देखता तो मेरा दिल गुनाहों की तरफ जा रहा है, तो फिर सोचे मैं कैसा आदमी हूं। और ये बड़ी डेंजरस बात है कि मैं लोगों के सामने नेक, लोगों के सामने नमाजी, एंड व्हेनेवर आई इन फ्रंट ऑफ द पीपल आई बिकम नमाजी, आई बिकम यू नो वेरी पायस, एंड व्हेन आई गो व्हाट आई गो टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग।
अल्लाह सुभान व तआला बहुत चीज़ दे रहे हो उसे। अल्लाह बुलाता है तो बंदा आता है, नहीं आते हो तो दुआ करो अल्लाह से माफ कर दे मौला, किसी को तो 5 टाइम बुलाता है, मुझे हफ्ते में 1 बार हाजिरी मिलती है। आया करो मस्जिद से, कनेक्ट रहो, वक्त बिताया करो, कि जिसका दिल मस्जिद में होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट ही विल गेट द शैडो ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह। इशा की नमाज के बाद मुलाकात का सिलसिला रहा। ऐसा लग रहा था कि पाको हिंद में कहीं इज्तिमा हो रहा है कि लाइन लगाकर बड़ी तादाद में लोग मिलते रहे। मस्जिद से जब बाहर निकले तो वहाँ भी एक अजब समा था, जैसा उमूमन हमारे वतन में होता है कि लोग रोड पर भी मुलाकात कर रहे होते हैं, सेल्फी बनवा रहे थे, उनकी मोहब्बतें और चेहरों से खुशी का इजहार, बहुत जबरदस्त समा था। It's all over the world. It's Dawat-e-Islami. It's a right to rectify. उसको कितना टाइम लगेगा? Another couple of months. शायद हमारे पास एक construction certificate होती है, उसका हम wait कर रहे हैं। जैसे वो हमें मिल जाएगी, next day से हम renovation start कर सकते हैं। Target रमजान से पहले पहले इसको। टफ हो जाएगा रमजान से पहले पहले। रेनोवेशन विल टेक अराउंड 9 months टाइम। मैं दावते से नामे भी ग्लोरियस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मैं दावते से नामे भी ग्लोरियस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। फॉर द सेक ऑफ मदीना वी आर कॉलिंग अपॉन यू अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, और लोग कहते हैं ना किसी मुल्क में जाकर कुछ देखने का शौक़ होता है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया आकर सिडनी में इस प्रॉपर्टी को देखने का इसलिए शौक़ था कि इसी प्रॉपर्टी का आज से कुछ महीनों पहले मदनी चैनल पर हमने अनाउंसमेंट किया था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दावत इस्लामी की, कि ओबन के एरिया में, ये वो एरिया है कि जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, एशियन कम्युनिटी रहती है, दावत इस्लामी ने एक डील की थी 3.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। नाज़रीन, तकरीबन पाकिस्तानी 72 करोड़ रुपये बनते हैं, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि अब ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में है, और ये ऑलमोस्ट 1300-1400 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है, और अब ज़ाहिर इसकी तामीरात भी करनी है, इस पर कुछ लोन बाकी ज़रूर है और इसकी तामीरात भी करनी है। यहाँ तक अल्लाह करीम ने पहुँचाया है, आगे भी मामलात इंशाल्लाह आसान होंगे। सबसे पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया के दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दूंगा, और साथ साथ यहाँ के आशिकान रसूल से अर्ज़ करूँगा कि आपकी मज़ीद इसमें हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर जो लोन है हमें वो भी ख़त्म करना है, और फिर साथ साथ इसकी तामीरात भी करनी है। बहुत शानदार जगह है, बड़ी कमाल की लोकेशन है, और यूँ समझिए कि ये जन्नत वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम सब दुनिया से चले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट और इस तरह की चीज़ें बाकी रहेंगी, और यहाँ सिर्फ मस्जिद नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा यहाँ दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबाजात होंगे, हमारे इस्लामी भाइयों के लिए भी और इस्लामी बहनों के लिए भी। 21 अगस्त बरोज पीर को अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जिम्मेदारान के दरमियान तरबियती इज्तिमा का सिलसिला था। दोपहर के बाद उनके पास जाना हुआ, और रात तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके दरमियान सवालों जवाब का और तरबियत का सिलसिला रहा। लेकिन अगर आपका 1 महीने का पाकिस्तान का या इंडिया का ट्रिप हो, आप बड़ा सामान लेके जाएंगे, बाज़ औक़ात तो लगेज भी ज़्यादा बुक करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा सामान है, काफ़ी रिश्तेदार हैं, तो जितना लंबा जर्नी होती है उतना लंबा लगेज होता है, उतना ज़्यादा लगेज होता है, उतना ज़्यादा ज़्यादा रहा होता है, इतनी लॉजिक तो है हमारे अंदर। 4 डेज के ट्रिप का छोटा वाला बैग रखा हुआ होता है हमने, 30 डेज के ट्रिप के लिए बड़ा वाला बैग रखा होता है, 3 महीने के लिए 3 बैग रखे होते हैं, ऐसे ही है ना। कवर में कितनी देर का ट्रिप है? इसी दौरान शाम को एक जगह पर एक और जिम्मेदार इस्लामी भाई के घर पर टॉप लेवल की बिजनेस कम्युनिटी और एसोसिएशंस के लोग जमा थे। वहाँ पर आमाल बर्बाद कर देने वाले काम, उस पर बयान करने की सआदत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पांस बड़ा जबरदस्त था। अगर कोई शख्स मुसलमान था और मुर्तद हो गया, ईमान से ही बाहर हो गया,
तो अब उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। तो अब आग लकड़ी को आग लगाएं तो क्या होगा, सारा लकड़ी तो भूसा हो गई ना, कोयला हो गई, जल गई, राख हो गई। अब आप सोचें मैं सरोजा रखूँ, मैं नमाजें पढ़ूँ, मैं सदके करूँ और रात को आके अपनी उन नेकियों को आग लगा, कितनी बेवकूफ़ी। वो क्यों कि मैं किसी का हसद पाल के बैठा। अल्लाह फरमाएगा तुझे मैंने इतनी नेमतें दी, वो कहेगा या अल्लाह मैं मानता हूँ सारी नेमतें मिली, तूने क्या किया? या अल्लाह तू माल देता रहा, मैं खर्च करता रहा, मैं गरीबों को देता रहा। इरशाद होता है तू झूठा है, तूने इसलिए माल बांटा कि तुझे सखी कहा जाए, तुझे कह दिया गया दुनिया में तेरा नाम हो गया, ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। जब दावत इस्लामी की प्रेजेंटेशन दिखाई गई तो वो हैरान रह गए कि इतना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है। और उसके बाद उन्होंने हर तरह से दावत इस्लामी का साथ देने, मदद करने और दावत इस्लामी का हिस्सा बनने की नियत फरमाई। न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, तेरा शुक्र माला। 22 अगस्त बरोज मंगल फिर मदीना मस्जिद जाकर, जो कि दावत इस्लामी का वहाँ एक बड़ा प्यारा मदनी मरकज भी है, इशा की नमाज के बाद एक शानदार यूथ इज्तिमा था जिसमें मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा को बुलाया गया और उनके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सुन्नतों भरा बयान हुआ। ये ज्यादातर इंग्लिश में बयान हुआ और इसका मौजू था कि सारा कुरान ही नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात है और नौजवान अपनी जिंदगी कैसे गुजारें और प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कैसे मोहब्बत करें और अपने आप को गुनाहों से कैसे बचाएं। The beloved and blessed Rasul Ali Sattu Islam has stated his own glory on the day of judgment. First of all, I will come out from my luminous shrine. When people will come in the form of groups, I will be their leader. When they will become silent due to the horror of the day of judgment, I will be their khatib. When they will be stopped, I will be their intercessor. When they will become hopeless, then I will be the one who will give them the good news. I have sublimity and grandeur and the keys of all the treasure of Allah subhanahu wa ta'ala in my hands that day, and among the offspring of Sayyidina Adam alayhi salatu salam, I will be the noblest one in the sight of Allah azza wa jal, and thousand servants will be around me. Nabi Paak ne khud apna maqam bayan farmaya ki qiyamah ke din mera ye martaba hoga, magar Allahu Akbar, रब की बारगाह में आप भी आंसू बहा रहे हैं, आप भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन रहे हैं, तो बताइए मुझे और आपको फिर अल्लाह की बारगाह में कैसे इबादत करनी है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र कैसे करनी है। मगर आज हमारा हाल क्या है, बड़ी तादाद में आज यूथ आई है, बहुत अच्छी तादाद में आज यंगस्टर आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम यंग होते हैं तो शैतान हमले भी बहुत करता है, नफ्सो शैतान वार भी बहुत करता है, और जनाब जी चाहता है कि दुनिया की लग्जरी में लाइफ गुजारें। यंगस्टर कहता है जनाब अभी तो मजे करने के दिन है, अभी तो इंजॉय के दिन है, मैं भी आखिरी वक्त में अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, मैं भी जनाब बूढ़ा होऊंगा तो नमाजें पढ़ लूंगा। मगर माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स, नोबडी ऑफ अस हैव गारंटी to live as old age. हमें नहीं पता कि हम बुढ़ापे तक जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, हमें इसी जवानी को गनीमत जानना है। आपको पता है there are 5 questions will be asked on the day of judgment to everybody. कयामत के दिन 5 सवाल किए जाएंगे और उन सवालों में एक सवाल ये भी होगा कि जनाब जवानी कैसे गुजारी, इस अलग से सवाल होगा। आइए और जो 5 क्वेश्चन है वो जरा गौर से सुन लें कि अहदीस में हमें ये मजमून मिलता है। नंबर 1, इन विच एक्टिविटीज वॉज द लाइफ स्पेंट, उम्र कैसे गुजारी। नंबर 2, इन विच एक्टिविटीज वॉज द यूथ स्पेंट, जिंदगी का सवाल हो चुका था, दूसरा सवाल होगा जवानी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल, फ्रॉम वेयर वॉज द वेल्थ अर्न्ड, माल किधर से कमाया। The fourth question will be on the day of judgment, where was it spent? Kharch kidhar kiya? And number 5th question, to what extent did you act upon your knowledge? Apne ilm par kitna amal kiya? Aaj to mazay kar rahe hain, magar us din ek kadam nahi utha sakenge jab tak in 5 questions ka jawab na de. Student hai na, paper ki badi fikr hoti hai, exam ki badi fikr hoti hai,
कौन से सवाल आएंगे पता नहीं है, ये ऐसा एग्जाम है जिसकी क्वेश्चन पेपर आउट है, पहले से पता है कौन से 5 सवाल होंगे, तैयारी कर रही है सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह देर तक मुलाकातों का सिलसिला रहा, मुझे Understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. आज 23 अगस्त है, बुध का दिन है, तकरीबन 8 या 8:30 बजे हम घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। आज इंशाल्लाह अज़्ज़वजल तकरीबन 11 बजे हमारी फ्लाइट न्यूजीलैंड के लिए है। न्यूजीलैंड की फ्लाइट सिडनी से तकरीबन 3.5 घंटे की, और न्यूजीलैंड मजीद 2 घंटे टाइम उसका आगे हो जाता है। यानी अब अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो ऐसा महसूस होता है कि अब हम दुनिया के आखिरी कोने की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद दुनिया में बजाहिर कोई और मुल्क नजर नहीं आता। मैं तो पंजे तने का गुलाम हूं, मैं तो पंजे तने। तकरीबन 5 बजे के करीब न्यूजीलैंड पहुंचे, ऑकलैंड एयरपोर्ट पर इस्लामी भाई हमें लेने के लिए आए हुए थे। अपनी जिंदगी में पहली बार मैं न्यूजीलैंड पहुंचा हूं, आज ऑकलैंड में आशिकाने रसूल हमें रिसीव करने आए हैं। नाज़रीन याद रहे कि दुनिया के नक्शे पर अगर हम देखें तो ये दुनिया का एक एंड बनता है, दुनिया का कोना बनता है, मगर क्या बात है दावत इस्लामी की, न्यूजीलैंड में भी दावत इस्लामी के बराकिस मौजूद हैं और यहाँ भी दावत इस्लामी के दीनी काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 23 अगस्त को मैं न्यूजीलैंड पहुँच चुका हूँ और इंशाल्लाह कल से यानी 24 अगस्त से न्यूजीलैंड में हमारा शेड्यूल शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर बयान हैं। ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, इन ममालिक में इमिग्रेशन से ज़्यादा कस्टम के मामलात में ताखिर होती है, क्योंकि यहाँ के ममालिक ने अपने आप को बहुत सी चीज़ों से सिक्योर रखा हुआ है। यहाँ फल पौधे डेयरी आइटम्स यानी दूध या बेकरी आइटम वगैरह लाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती, कोई भी जानवर नहीं लाया जा सकता। ये नहीं चाहते कि इनके मुल्क में कोई नया फल, कोई नया पौधा और कोई नई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ बाहर से आ जाए जो इन ममालिक में जरासीम फैलाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड पहुँच चुका हूँ और इस वक्त न्यूजीलैंड में 6:30 बज रहे हैं और आप देखें शाम के 6:30 बजे कितना अंधेरा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि रात काफ़ी हो गई है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार न्यूजीलैंड पहुंचा हूं और अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो न्यूजीलैंड एक एंड ऑफ द वर्ल्ड बनता है जहां पर दुनिया आकर ख़त्म हो जाती है, मगर क्या बात है हमारी दावत इस्लामी की कि यहाँ पर भी दावत इस्लामी के काम होते हैं, यहाँ पर भी इज्तिमात होते हैं, यहाँ पर भी हमारे मराकज़ हैं, बल्कि हमारे उलमा पहुँचे हुए हैं मदनी मरकज़ कराची से या पाकिस्तान से जो यहाँ आकर इमामत कर रहे हैं, यहाँ आकर दीनी काम कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि इतनी प्यारी तहरीक दी है। अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे कि उन्होंने किस तरह माशाल्लाह ये गुलशन सजाया है और कहाँ कहाँ दावत इस्लामी का ये काम हो रहा है, सुभान अल्लाह। और इन ममालिक में जिनके बारे में कहा जाता है कि लोग बड़े जनाब मॉडर्न लाइफ गुजारते हैं, यहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं होता या 1-1 घंटे के पैसे होते हैं, वाकई ऐसा ही है, 1-1 घंटे के पैसे हैं और अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने उन घंटों को छोड़कर, अपने उन दिनों को छोड़कर, अपने उस कसीर माल को छोड़कर अल्लाह की राह में अपना टाइम देते हैं, मदनी काफिलों में सफ़र करते हैं, इस्तेमाल में शिरकत करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको सुन्नतों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम अल्हम्दुलिल्लाह पामिस्टन नॉर्थ के लिए जा रहे हैं, ऑकलैंड से हमारा जो फ्लाइट है वो पामिस्टन नॉर्थ की तरफ से है। अब जरा ये मंजर देखिएगा, ये भी अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को देखकर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लाम। नबी पाक को ढूंढना होता कि प्यारे आका कहाँ गए हैं, किसी से पूछते नहीं थे, सड़क के किनारे खड़े हो जाते, खुशबू बताती थी आका यहीं से गुजर गए। और हमने जाना था क्राइस्ट चर्च, और ये वही शहर है कि जहाँ 2019 में 2 मस्जिदों में एक ऐसा अंदोहनाक हादसा हुआ कि जिसमें 51 के करीब
मुसलमान नमाज जुमा की अदायगी के दौरान शहीद हुए। For my Murshid